जय माँ भद्रकाली। इस सप्ताह आपकी राशि फल में कौन से ग्रह क्या उथल पुथल मचा रहे हैं और क्या लाभ और क्या हानि होना है, जानने के लिए देखिए साप्ताहिक राशि। मेष राशि। मेष राशि के लोगों, पारिवारिक कलह असंतोष का माहौल बन रहा है, सावधानी बनाए रखें, परिवार में कलह कलेश होने की संभावना है। ऐसे में क्या करें, भगवान शिव को बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान महादेव को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि। शारीरिक कष्टों के योग हैं, पारिवारिक लाभ का योग बन रहा है और रुके हुए कार्यों में आपको लाभ उन्नति मिलने की संभावना है। ऐसे में आप क्या करें, भगवान शिव को विजय पत्र में ओम नमः शिवाय लिखकर सोमवार के दिन अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि। नौकरी व्यापार में लाभ के योग हैं, विवाह के योग हैं, रुको कार्य जो बहुत दिनों से आपके रुकावट बनी हुई है उन कार्यों में आपको सफलता के योग बन रहे हैं। और सफलताओं के लिए क्या करें, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें प्रातःकाल, तांबे के लोटे में, आपका कल्याण होगा। कर्क राशि। पारिवारिक विवाद वाहन से सावधानी बनाए रखें और हो सकता है पारिवारिक या कलह कलेश होने की संभावना बन रही है। ऐसे में क्या करें, कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव को शमी पत्र सोमवार के दिन अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि। सिंह राशि, माता पिता पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, घर में वाद विवाद की संभावना बन सकती है, कलह कलेश अशांति हो सकती है। ऐसे में क्या करें, भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पण करने से आपका कल्याण होगा। कन्या राशि। आर्थिक चिंता, पारिवारिक विवाद एवं कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें और विवाद होने की संभावना है। ऐसे में क्या करें, प्रातःकाल पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पण करने से आपका कल्याण होगा। तुला राशि के लोगों, समय बहुत अच्छे चल रहा है, यात्रा के योग हैं, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, लाभ के योग हैं। जो शरीर में पीड़ाएं चल रही हैं उस पीड़ा को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल लड्डू या लाल वस्तु का दान करें, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि जो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उसमें लाभ की संभावना बन रही है, नौकरी व्यापार में जो बहुत समय से रुकावटें चल रही हैं उसमें लाभ के योग बन रहे हैं, पर और अति शीघ्र कार्य सिद्ध करने के लिए क्या करें, अकौआ के पेड़ से पत्ता लाकर रविवार के दिन उसमें श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। धनुराशि के लोगों, आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य मन लगेगा, रुपये कार्यों में सफलता के योग हैं। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतेगा। जो आर्थिक संकट बना हुआ है उसको लिए क्या करें, एक कागज में राम राम लिखकर हनुमान मंदिर में मंगलवार को अर्पण करने से आपका कल्याण होगा। मकर राशि। आर्थिक मंदी चल रही, व्यापार में बिजनेस के लिए सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, पारिवारिक असंतोष बना हुआ है, पैसे देने की बरकत नहीं हो रही है। ऐसे में क्या करें, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि। नए कार्यों में जो आप सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं उसमें लाभ के योग बन रहे हैं, जो चिंताएं परेशानियां बहुत समय से चल रही थी उसमें अब आपको लाभ मिलने की संभावना है। जो कार्य है उसको अति शीघ्र करने की कोशिश करें, लाभ की गति बनेगी, पैसे देने की बरकत बनेगी, आर्थिक संकट दूर होंगे। इसके लिए और अधिक उपाय क्या करें, किसी गरीब को भोजन कराएं और हनुमान जी के दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। मीन राशि। नौकरी व्यापार में लाभ के योग है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं, जो रुकावटें चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी उसमें आपको लाभ के परिपूर्ण योग बन रहे हैं। ऐसे में और अधिक लाभ के लिए क्या करें, गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से
आपका कल्याण होगा और परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। आज के साप्ताहिक राशिफल में आपने जाना कि आपको कौन से उपाय करने से क्या लाभ होगा। इसी प्रकार से हम आपको हर सप्ताह आपका राशिफल बताएंगे और एक कहानी में ज्ञानवर्धक कहानी बतलाई जाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे गुरुदेव जय माँ। एक ऐसा दरबार जहाँ होती है मन्नते पूरी। भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम, हस्तरेखा, कुंडली निर्माण, ग्रह शांति विशेषज्ञ। YouTube सर्च मेरे गुरुदेव।